वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्लॉग के स्टार्टिंग में कमेंट ऑफ द डे, जो कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मैं लगा दे रही हूँ। अब बात करते हैं जिन्हें के ऊपर। मैडम जी इद्दत छोड़ के सैड सैड रील्स बना रही है, अब वो बहुत सैड दिखा रही है लोगों को, क्योंकि व्लॉग जब आया था उन लोगों का, उन लोगों ने जब सब कुछ क्लियर किया था, उसके बाद मैडम जी को काफ़ी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी खुश हो, बाहर घूम रही हो, फलाना ढिमका। तो मैडम जी को कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा चलता रहेगा तो अपनी दुकान तो बंद होने वाली है, चौपट हो जाएगी। मुफ्त की जो कमाई होती है, अपन जो दिन भर हफ्ते मुफ्ते दिखाते हैं, वो दिखा के जो कमाई आती है वो तो नहीं आएंगी, ऐसी नहीं होगी। तो मैडम जी क्या करी, इंस्टाग्राम पे सैड सैड रील्स बना रही है, तुझे याद है ना मेरी आई, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो मैडम जी उसको अगर याद नहीं आती और वो अगर तुम्हारे लिए वफादार नहीं होता तो वो 9 साल तक तुम्हारे लिए रुकता नहीं और 9 साल बाद तुमसे शादी करता नहीं। तुम्हारे ब्लॉग में भी देखा गया है कि तुम कैसे ज़फ़ीर को जो है कंट्रोल करके रखती थी, नमाज से भी लेट आए तो उसको डांटती थी, घर पर जो है ना घर पर सदा उसको तुम बिठा के रखती थी। ठीक है, तो एक बंदा सहे तो कितना सही, बोलता है ना मेल लिगो, मर्दों में वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हम औरतें तो 2 बात सुन के, खड़े खोटे सुन के भी हम हज़म कर लेते हैं, लेकिन मर्द वो चीज़ नहीं हजम कर पाते हैं, उनको जो है ना कहीं वो बात खटक जाती है। बट जिस तरीके से तुमने डोमिनेट किया और जिस तरीके से तुम्हारा चाल चलन है, वो देख के तो तुम बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुमको उसकी याद आ रही है या फिर तुमको उसके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि सहने वाले जो होते हैं ना वो काफ़ी सह जाते हैं। जैसे कि हम 10 साल से सह ही रहे हैं, तो सहने वाले जो होते हैं ना वो यूँ 5 महीने में 6 महीने में जो है ना तलाक नहीं लेते हैं। और मेरे ससुर जी ने एक बार कहा था, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत बड़ा बवाल हुआ था, मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तो मुझे डिवोर्स, मैं बोली थी नहीं मुझे डिवोर्स लेना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो अम्मी अब्बा आए थे रात के 12:30 बजे, भैया के साथ बाइक में आए थे। तो अब्बा ने मुझे एक ही चीज़ समझाया था, वो बात मुझे आज भी याद है कि बेटा हमको सह के लेना पड़ता है, बेटा अब तो उसको छोड़ देगी, लोग कहीं ना कहीं तुझे गलत बोलेंगे, वो सब तो छोड़ो, वो सब मेरे को इतना वो हिट नहीं किया दिमाग में। लेकिन एक ही चीज़ जो मुझे हिट किया कि तलाक जो होती है ना वो हलाल होके भी हराम होती। जब एक तलाक होता है ना, बोलते हैं ना अल्लाह का अर्श कांप उठता है, ठीक है, अल्लाह को सबसे नापसंद चीज़ होती है तलाक। तो तुम ये कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम शादी के 1 साल भी नहीं गए, 5वें 6वें महीने में तुम शादी करके, तुमसे सहन नहीं हो रहा, तुमने तलाक ले लिया और तुम अल्लाह की नज़रों में अच्छा बन जाओगे या फिर लोगों की नज़रों में, लोगों का तो छोड़ो अल्लाह की नज़रों में जो तुम अच्छा बन जाओगे। मैडम जी घर ऐसे नहीं चलता है। और वो मुमताज़ आंटी बहू बच्चों को भी संभाले, दोनों बच्चों को भी संभाले, घर का भी काम करे, खाना भी बनाए, हर चीज़ करे, हर चीज़ करे, और बेटियाँ आवारों की तरह सड़कों में घूमती रहे, कभी यहाँ पे खाने जाए कभी वहाँ पे खाने जाए। उसका पति कमाता है फिर भी उसको इतनी कंट्रोल करके नूर को रखा है ना, वो नूर को देख के ना मुझे खुद के घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, जो उसकी माँ बाप ने तरबियत दिया है बहुत अच्छी तरबियत दिया है नूर को। मैं नूर की तरबियत देखे मैं बोल सकती हूँ कि नूर के माँ बाप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि ऐसी बहू पाना बोले तो बहुत नसीब की बात होती है, सरफराज की नसीब सच में माशाल्लाह से बहुत अच्छी कि ऐसी पत्नी उसको मिली है। लेकिन उसकी जो सास, मैं बोलूँगी नूर की किस्मत बहुत ख़राब है, क्योंकि वो वाकई में आजकल के ज़माने की लड़कियों की भी वाकई में बहुत अच्छी लड़की है, वो दोनों बच्चों को भी संभालती है, बच्चे वगैरह किचन में खेलते रहते, मैं देख रही थी कल, ठंड है इतना, ज़मीन इतना ठंड है, कहाँ बुढ़िया जो है दोनों पोतों को थोड़ा संभालेगी, कहाँ वो जीनी, अब तो उसका कोई काम धाम, एक ही इंसान अकेली रहती है, एक टाइम पकाओ तो दूसरे टाइम तक हो जाता है, भाई तुम मायके में आ, पूरा पूरा दिन तुम मायके में रहे, दोनों बच्चों को संभाल, थोड़ा भाभी का भी थोड़ा हाथ बटा दे, तो भाभी के दिल से भी दुआएँ निकलेंगी, प्यार निकलेंगे। ये नहीं बस नूर को काम वालों की तरह, मुफ्त की काम वाली की तरह जो है ना वो उसको जो है ना घिसते ही जा रहे हैं, घिसते ही जा रहे हैं, घिसते ही जा रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे दूसरे चैनल इब्राहिम फैमिली ब्लॉग्स पे मेरे आज के वीडियो नहीं देखा ना, मैंने ऑलरेडी दोपहर को अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देखो, उसमें जो है ना जिनी कैसे ज़फ़ीर को जो है मेंटली टॉर्चर करती थी 9 साल तक, उसका भी मैंने प्रूफ डाला है, कैसे उस बंदे को उसने कंट्रोल करके रखा था। ये सारे जो है ना एक ही कैटेगरी के, जैसे सरफराज हो गया हो, नाज़िया हो गया हो, रियाज का पता नहीं, अब जीनत हो गई हो, अब कोई कोई ये भी बोल रहा है कि मुमताज़ आंटी जो है जीनी के बाप की दूसरी बीवी है, मुमताज़ आंटी ने जो है जीनी के बाप का घर तोड़ा था, मुमताज़ आंटी का जो पति है वो पहली औरत के साथ रह रहा। तो मुझे ना ये जो
मेरी फैमिली है ना, ये जितनी भी शरीफ बन जाए सोशल मीडिया में, इनके पास्ट के जो कांड है ना वो सुनते हुए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है ना डामाडोल फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली। क्योंकि बेटी अकेली रह रही है वहाँ पे, बेटी का तलाक हो चुका है, बेटी को लोग तरह तरह के बातें बोल रहे, भाई इद्दत में बैठ भाई, शादी मुस्लिम तरीके से किया, खुला मुस्लिम तरीके से लिया, मुफ्ती साहब ने बोला जल्दी से जल्दी खुला करवा दो, तो मुफ्ती साहब ने ये भी तो बोला होगा कि खुला के बाद 3 महीने 10 दिन का उसका इद्दत कंपलसरी है, जो आपके बेटे को करना है वो करवा दीजिए। ये गुनाह में ना तुम लोग सब शामिल हो रहे हो। पहली बात तो पहला गुनाह तो तुम लोगों ने ये किया जो तलाक करवाया। तलाक हलाल होके भी हराम है, जो नहीं करवाना चाहिए। अरे दोनों फैमिली बैठो आपस में, देखो बच्चों का क्यों नहीं बन रहा है, बातचीत करो, कंडीशन रखो, चीज़ों को सुलझाओ। नहीं, तुम लोगों ने तलाक करवा दिया, क्या हासिल कर लिया भाई? तलाक करवा के भी क्या हासिल करवा लिया? दो इंसान को कितना ही खर्चा, जिनी तो उतना कमा ही लेती है ना यूट्यूब से कि भाई दो इंसान का खर्चा तो उठा ही सकते, अभी तो वो खुद के जो खर्चे हैं वो तो उठा ही रही है। तो पति का भी अगर संभाल लेगी, कम से कम आज अगर तू तो उस पति को संभाल लेती, कल को जाके पति को उस चीज़ का रियलाइजेशन तो होता कि भाई जब मैं कुछ नहीं था इसने मेरा सपोर्ट किया, आज तो उसके लिए करना पड़ता है। मैं भी करती हूँ, पता है आप लोग एक चीज़, मेरे पति और मेरे बीच में ना बहुत क्लैशेस हुए। ऐसा भी हुआ कि हमारा डिवोर्स तक सब कुछ रेडी हो गया था, ऐसा भी था, लेकिन मैंने उसके हर कदम पर साथ दिया। उससे मेरे साथ बहुत बुरा किया। अगर आप अगर मेरे 2-3 महीने पहले के व्लॉग्स देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, एक्स्ट्रा मेरी अफेयर तक था उनका, बहुत लड़ाई झगड़े होता था हमारे बीच में। लेकिन आज के डेट पे ना वो ऐसा बन गया है कि उसको मैं अगर 2 गालियाँ भी दे दूँ ना, वो रिप्लाई में मेरे को गाली नहीं देगा, क्योंकि उसको ना उस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है कि जब जब उसको ज़रूरत पड़ी ना तब तब मैं खड़ी रही। तो रिश्ते ना बहुत मुश्किल से संभलते हैं। मुझे पता है कि मैंने एक रिश्ता पाने के लिए न जाने कितने रिश्तों की कुर्बानी दी। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मेरे बाप का इतना अरमान था ना मुझे हिंदुओं में शादी, मतलब मैं हिंदू थी ना तो मुझे अच्छा फैमिली देके देखने का, ये वो बहुत अरमान थे। मेरी माँ ने मरने से पहले कुछ कुछ ज्वेलरीज बना के गई थी कि मेरी शादी में ये वाली देंगी वो वाली देंगी, बहुत अरमान थी। भाई की बीवी के लिए भी बनाया था, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बनाया था, लेकिन मैंने सारे अरमानों में पानी फेर दिया। बट ये एक चीज़ है कि मेरे जो बाप है उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, बट मैं उनको तकलीफ़ नहीं देती हूँ। भले ही मैंने उनका दिल दुखा के मुसलमान के साथ शादी किया है, कोई गलत काम नहीं किया और निभा भी रही हूँ। और मुझे पता है शुरू में मुझे शादी करके आने के बाद इनका खाना, क्योंकि मैं कम मसालों का खाना खाती हूँ, तीखा तो बिल्कुल ना के बराबर खाती हूँ, मेरा उठना बैठना हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, तो मेरा लाइफस्टाइल इनका लाइफस्टाइल ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरे बातों में हर चीज़ में हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मैं ना रोती थी, मैं खाना ढंग से नहीं खा पाती थी। मेरी जेठानी बहुत सपोर्ट करी मुझे, बेचारी मुझे मेरे बेटे की डिलीवरी में मेरी जेठानी थी करके मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी, नमाज़ पढ़ना, इन लोगों का खाना बनाना। फिर मैं खाना नहीं खा पाती तो भाभी को बोलती थी, भाभी समझती थी, क्योंकि मेरे भाभी के जो अब्बा थे वो बंगाली, उनका मालिक था तो वो उनके अंडर में काम करते थे, वो वहाँ पर खाते थे, तो अंकल आके बोलते थे भाभी को, तो उनको पता था कि मैं ऐसे खाती हूँ वैसे खाती हूँ, तो वो मेरे लिए दाल वगैरह, मैं ज़्यादातर उस टाइम पे दाल ही खाती थी, दाल खा के गुजारा करती थी। फिर गोश्त खाना, गोश्त जो मैं स्टार्टिंग में खाती, मुझे बड़ा घिन आता था क्योंकि गाय माता हम पूजा करते हैं उसको मैं खा रही हूँ, और गोश्त खाने का मेरा एक ही मोटो था कि अब्बा बहुत कंसर्न थे कि गोश्त नहीं खाती, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब्बा को बहुत टेंशन हो रही है। तो मैंने एक दिन अब्बा को बोला, अब्बा मैं गोश्त खाऊंगी, तो अब्बा बहुत खुश हो गया था, अच्छा तो गोश्त खाएगी, तो अब्बा जाके लेके आए, भाभी ने बिरयानी बनाई, तो मैंने खाया स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके, अब तो आदत हो चुकी। तो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो मुसलमान हो कि मुसलमान के साथ ही घर नहीं बसा पाई, हालांकि उसके जो है सोशली मैरिज करके दी, उसके माँ बाप उसके सपोर्ट में थे, उसकी कास्ट का ही था, उसके रिलीजन का था, 9 साल से उनका जो है रिश्ता था, जान पहचान था। सोचो मुझे बंगाली लड़की होके, अलग स्टेट की, अलग रिलीजन की होके, मुझे यहाँ पे आके एडजस्ट होने में, सेटल होने में कितना तकलीफ़ हुआ होगा। फिर भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं अपने पति के साथ हूँ, उसकी सुहागन बन के हूँ, उसका नाम मेरे आगे है, और मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों के साथ उनके अब्बा है,
तो कहने का मतलब ये है ना कि रिश्तों को ना संभालने के लिए, समझने के लिए ना वक्त देना पड़ता है, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैडम का तो अलग ही चल रहा है, उसके घर वालों का अलग चल रहा है। घर वालों को देख के लगता ही नहीं कि बेटी के लिए एकदम बिल्कुल भी कंसर्न है। एक होता ना कि भाई बेटी का तलाक हुआ है, माँ भाई को बोल के तू जा इसको ले कर आ, तो वहाँ पे नहीं रहेगी, सामान वामान रहने दे, मैं ताला वाला मार के आती हूँ, अब तो यहीं पर रहेगी, मेरे साथ सोएगी तो, क्योंकि उनके अब्बा तो रहते नहीं, उनके अब्बा तो उनकी पहली बीवी के साथ रहते हैं। तो एक होता है ना कि भाई तू यहाँ पे रहेगी, तू वहाँ पे अकेले नहीं रहेगी, और थोड़ा नूर को भी हेल्प कर, एक काम कर तू तेरे भाई के बेटों को संभाल ले, नूर इधर घर का काम कर ले, तो भी तो नूर का थोड़ा हेल्प हो जाए ना, नूर को भी थोड़ा खुशी मिले कि चलो भाई कोई तो है मेरी मदद करने के लिए। वो सरफराज भी दिन भर बैठे रहता है, ब्लॉगिंग करता है, माँ के साथ गप्पे मारता है, और वो मैडम तुमताज भी टीवी देखती रहती, क्या करती, मतलब वो बेचारी नूर को तो काम वाली बना के रखती। मुझे सच में ट्रस्ट में इतना बुरा लगता है ना नूर के लिए, भले वो हंसते लेकिन कहीं कि उसको भी दुख होता होगा ना, एक लड़की दिन भर इतना करती है, हम सोचो हम भी खुद का घर का करके जो है ना थक जाते, सोचो उसके बारे में। लेकिन तुमताज को क्या है, तुमताज को ऐसा है कि मेरी सास की तरह, तुमताज और मेरी सास भी सेम ही है कि पराया बेटों और बेटियों को ना एकदम जूतों के नीचे दबा के रखना है, और ख़ुद के बेटों को और ख़ुद की बेटी को जो ना आवारे की तरह छोड़ना है। सेम मेरी सास, मेरी सास ने भी दो दो बार खुला करवाया, और मेरी सास मेरे पति कल रात को बोल रहे थे यही बात, कल रात को बोल रहे थे मेरे हस्बैंड कि मेरे अब्बा अगर लगाम जो है ना कस के रखते, मेरे अम्मी के हाथ में सब कुछ ना देते, तो आज शायद ये दो दो बार खुला भी ना होता। मेरे हस्बैंड ने कल रात को बोला, बातों बातों में कुछ तो ऐसी बात निकली थी, अच्छा हाँ किसी एक इंसान की बात निकली थी कि बहन ना के घर में बैठ गई तीन तीन बच्चों को लेके, तो पूरा घर बर्बाद हो गया। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड मैं तो अब्बा बोल इब्बू का अब्बा बोल रहे थे कि औरतें ऐसी होती है, ऐसा वैसा कम दिमाग की। तो मैंने बोला था अच्छा तुम्हारी माँ भी वैसी ही है क्या, सारी औरतें अगर ऐसी है तो, मेरे थोड़ा सारी औरतें बोला मेरे को ऑफेंसिव लगा, तो बोला हाँ मेरी अम्मी की जगह अगर घर का सारा कुछ अगर मेरे अब्बा के हाथ में होता तो आज हमारे घर की हालत ये नहीं होती, दो दो बार खुला नहीं होता। कि कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइजेशन होता है कि उसकी माँ ने भी जो किया था गलत किया था। मेरी सास बेटी को बिठा के रखी, बेटी और नवासे के अलावा मेरी सास को और कोई नहीं दिखता, ना बहू दिखती, ना दो दो पोते दिखते, ना दो दो पोती दिखते, ना दो दो बेटे दिखते, कोई नहीं दिखता, बस बेटी और नवासा, बस इसकी ज़िंदगी में वही दो रह गए। इसीलिए आज के डेट में ना मेरी सास अकेली मर रही है, ना बड़ी बहू जाती है उनको देखने, ना छोटी बहू जाती है उनको देखने के लिए, उनको बीमारी हुई भी तो कोई नहीं आता। क्योंकि जब हमारा वक्त था, चलो मेरी जेठानी का तो उसके मायके वाले थे, या फिर इब्बू के टाइम पे भाभी हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए थी। एक होता है ना कि भाई जब मैं डिलीवरी होकर आई थी, मैं मेरा इब्बू छोटा था, मेरे पेट में टाके थे, इससे जनवरी के महीने में मेरे इब्बू का जो डिलीवरी था छठवें दिन आई, छठवें दिन से जो मैं लगी पड़ी हूँ ना, कसम खुदा कि आज तक मेरी गाड़ी चल रही है। अब मैंने कभी नहीं बोला कि गुड्डी मेरे मतलब ननद को गुड्डी बोलते घर में, कि गुड्डी तू इधर संभाल, मैं पप्पू की बीवी के पास, मैंने मेरे हस्बैंड को पप्पू बोलते घर में कि पप्पू की बीवी के पास जाके रह के आती हूँ, वो तो मायके जा नहीं सकती है, और तब घोर लॉकडाउन था तो मैं उसके साथ रहती हूँ, या फिर तू चले जा, ऐसा कभी। अजान हो रही है, अजान हो रही। वही बात है कि मुमताज़ आंटी अगर खुद के बहुओं को ज्ञान देने से ज़्यादा अगर खुद की बेटियों पर ज़्यादा नज़र रखते ना, तो आज उनकी बेटियों की जो है ना हालत ऐसी नहीं होती, और उनको लग रहा है कि बेटी जो है डिवोर्स करने के बाद बहुत खुश रहेगी, उल्टा लानत बरस रही है, लोग उनके बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, जो कि बोलना डिजर्व करते हैं वो लोग। क्योंकि कोई भी माँ बाप मैं क्यों ना हो, कल को अगर मेरी बेटी के गृहस्थ में, जाहिर सी बात है ज़माना ऐसा है तो ग्रीस और फुप्पू का ऐसा होके रखा है, तो बेटी के गृहस्थ में खुदा ना करे बट ऐसा हो अगर हो तो फिर मेरा कोशिश यही रहेगा कि दोनों को समझाओ, दोनों को बुझाओ, सबसे ज़्यादा अपनी बेटी को समझाओ, क्योंकि वो मेरी अपनी है, उस पर मेरा हक है, उसको मैं मार पीटूँ कुछ भी करूँ तो घूम के आके बोलिए मम्मा, ठीक है। और वो बेटी है, लड़की जाते हैं, उसको समझ के समझा के लेना बहुत ज़रूरी है, एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन लोगों से एडजस्ट कहाँ होती है, इन लोगों का एक ही रिलीजन है, वो है मनी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिए दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।